हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इंग्लिश के, और चैप्टर का नाम है द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट वन। ये पार्ट वन एक्सरसाइज है, तो चलिए देखते हैं इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए होंगे, आपको उसको ट्रू या फॉल्स लिखना है। अगर वो सही है तो ट्रू, और अगर रॉन्ग है तो आप उसको फॉल्स लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द ग्रेट स्टोन फेस स्टूड नियर वेयर अर्नेस्ट एंड हिज मदर लिव्ड। जो ग्रेट स्टोन फेस था, यानी जो पहाड़ पे बनता हुआ जो वो फेस था, वो किसके घर के बगल में था? अर्नेस्ट और अर्नेस्ट की मदर के घर के बगल में था। तो ये आंसर क्या है? फॉल्स। नहीं, वो कहाँ था? अर्नेस्ट और अर्नेस्ट की मदर के घर से दूर था। कौन? द ग्रेट स्टोन फेस, जो पहाड़ से बना हुआ फेस था। तो इसका आंसर क्या हो गया? फॉल्स। अब इसी के क्वेश्चन वन के सेकेंड पार्ट में जाते हैं। वन वुड क्लियरली डिस्टिंग्विश द फीचर्स ऑफ द स्टोन फेस ओनली फ्रॉम अ डिस्टेंस। अगर कोई व्यक्ति दूर से देखता था तभी उसे उस ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा नजर आता था। क्या ये बात सच है? हाँ, ये बात सच है, ये है ट्रू। ओके, थर्ड क्या है? फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है? अर्नेस्ट लव्ड हिज मदर एंड हेल्प हर इन हर वर्क। अर्नेस्ट ना अपनी मदर को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और उनके काम में क्या करता था? मदद भी करता था। तो क्या ये बात सही है? हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो आंसर है ट्रू। ओके, फोर्थ क्या है? दो नॉट वेरी रिच गैदर गोल्ड वॉज अ स्किलफुल मर्चेंट। तो जो वो गैदर गोल्ड था ना, वो बहुत अमीर नहीं था, बस वो एक मर्चेंट था। तो क्या ये बात सही है? फॉल्स। ये बात क्या है? गलत है। वो क्या था? अमीर था। कौन? गैदर गोल्ड। ओके, नेक्स्ट क्या है? गैदर गोल्ड डाइज इन पॉवर्टी एंड नेगलेक्ट। तो गैदर गोल्ड जब मरा वो गरीब हो चुका था, और कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता था। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है कि गैदर गोल्ड जब मरा था तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो चुका था? गरीब हो चुका था, और उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता था, सब उसे नेगलेक्ट करते थे। तो आंसर क्या हो गया? ट्रू। ओके, सिक्स पार्ट है। द ग्रेट स्टोन फेस सीम टू सजेस्ट दैट अर्नेस्ट शुड नॉट फियर द जनरल। जब अर्नेस्ट ने जनरल को देखा तो अर्नेस्ट को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि जनरल का चेहरा किससे मिलता है? ग्रेट स्टोन के फेस से मिलता है, जुलता है। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अर्नेस्ट ने ग्रेट स्टोन को देखा तो ऐसा लगा कि जैसे ग्रेट स्टोन क्या है, ग्रेट स्टोन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि डरो मत, वो व्यक्ति जल्दी आएगा जिसका फेस मुझसे मिलता जुलता है। मुझसे मतलब ग्रेट स्टोन से मिलता जुलता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ, ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट में, जो कि है वर्किंग विद द टेक्स्ट पेज 130 के है, क्वेश्चन आंसर है आपके एनसीईआरटी बुक के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज अ ग्रेट स्टोन फेस? ग्रेट स्टोन फेस क्या था, आपको ये बताना है। आंसर है, द ग्रेट स्टोन फेस वाज अ वर्क ऑफ अ नेचर। इट वाज फॉर्म्ड ऑन द साइट ऑफ अ माउंटेन बाय अ ह्यूज रॉक्स। मतलब ग्रेट स्टोन जो फेस था वो नेचर द्वारा बनाया गया था, यानी प्रकृति ने बनाया था, यानी वो एक नेचुरल था। पहाड़ के ऊपर बहुत बड़े बड़े पत्थर ऐसे सेट हो गए थे कि उन्हें देखने से ऐसा लगता था कि वो इंसान का क्या है? चेहरा है। तो ये क्या था? ग्रेट स्टोन फेस। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट में, जो कि है फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। व्हाट डिड यंग अर्नेस्ट विश व्हेन ही गेज्ड एट इट? अर्नेस्ट जब छोटा था और उसने गेज की तरफ देखा तो उसने क्या विश मांगी थी, आपको ये बताना है। आंसर है, यंग अर्नेस्ट विश दैट द ग्रेट स्टोन फेस कुड स्पीक, ही होप दैट इट्स वॉइस वुड बी प्लेजेंट। तो जब अर्नेस्ट क्या था, छोटा था, तो उसने ये विश मांगी थी, ये इच्छा थी उसकी कि जो ग्रेट स्टोन का फेस क्या हो, बोल सके, स्पीक कर सके, क्या कर सके, बोल सके। और उसकी ये भी आशा थी कि उसकी आवाज़ क्या हो, उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, प्लेजेंट हो। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर टू। इसमें है, व्हाट वाज द स्टोरी एट्रीब्यूट टू द स्टोन फेस? उस पत्थर वाले चेहरे पर कौन सी कहानी जुड़ी हुई है, आपको ये बताना है। आंसर है, द स्टोरी कनेक्टेड विद द स्टोन फेस वाज दैट इन अ फ्यूचर अ चाइल्ड वुड बी बॉर्न इन अ वैली हु वुड बिकम द ग्रेटेस्ट एंड द नोबलेस्ट पर्सन ऑफ हिज टाइम। हिज फेस वुड रिजेंबल द स्टोन फेस। उस पत्थर वाले व्यक्ति के साथ ये स्टोरी जुड़ी हुई है कि भविष्य में, यानी फ्यूचर में, उस वैली में एक छोटा सा बच्चा जन्म लेगा,
यानी क्या होगा, बॉर्न होगा, और वो जो वो छोटा सा बच्चा क्या होगा, बड़ा होकर सबसे महान और सबसे नेक और व्यक्ति बनेगा, और उसका चेहरा उस पत्थर के फेस से मिलता जुलता होगा, यानी उसका चेहरा किससे मिलता जुलता होगा, ग्रेट स्टोन के फेस से मिलता जुलता होगा। तो ये थी वो कहानी जुड़ी हुई। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3rd में, जिसमें पूछा गया है व्हाट गेव द पीपल ऑफ द वैली द आइडिया दैट द प्रोफेसी वॉज अबाउट टू कम ट्रू फॉर द फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन का मतलब है जो वैली थी, जो घाटी के लोगों को ऐसा क्यों लगा कि जो भविष्यवाणी की गई थी वो सच हो गई है, आपको ये बताना है। आंसर है A young man named Gather Gold had left the valley many years ago. By the time he grew old and he had grown rich, when he returned to his native valley, rumors spread that he resembled the great stone face. People thought that the prophecy had come true. मतलब जो Gather Gold था ना, वो कई साल पहले वैली को छोड़ के जा चुका था और वो चला गया था, तो वहाँ पे वो जहाँ गया वहाँ पे वो थोड़ा क्या होता गया, अमीर होता गया। ऐसे ही वो कई वर्षों के बाद क्या हो गया, वो बहुत अमीर हो गया, और समय के साथ वो अमीर के साथ साथ क्या हो रहा था, बूढ़ा भी होता जा रहा था। जब वो वापस कहाँ आया, उसी वैली आया, तो वहाँ पर ये अफवाह फैल चुकी थी कि जो गैदर गोल्ड का जो चेहरा है वो ग्रेट स्टोन के फेस से जैसा है, और लोगों को लगा कि वो भविष्यवाणी क्या हो गई है, सच हो गई है। तो इसलिए लोगों को क्या लगा कि भविष्यवाणी ये क्या है, सच हो गई, क्योंकि गैदर गोल्ड का फेस किससे मिलता जुलता है, ग्रेट स्टोन के फेस से मिलता जुलता है। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि एक क्वेश्चन 4th का फर्स्ट पार्ट, यानी क्वेश्चन 4th में 2 पार्ट होंगे। तो फर्स्ट है डिड अर्नेस्ट See in Gather Gold the likeness of the stone face. क्या Ernest को Gather Gold के चेहरे पे great stone face का चेहरा नजर आता था? तो answer है no. Ernest did not see any likeness of the stone face in Gather Gold. तो वो कह रहा है नहीं, जो Ernest को Gather Gold की face, जो great stone के face के चेहरे जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता था। Okay, अब बढ़ते हैं 4th के ही second part question में, जिसमें है पूछा गया है हु डिड ही कन्फाइड इन एंड हाउ वॉज ही प्रूव्ड राइट। अर्नेस्ट का भरोसा किस में था और ये भरोसा सच कैसे साबित हुआ, आपको ये बताना है। आंसर है ही कन्फाइडेड इन द ग्रेट स्टोन फेस आफ्टर गैदर गोल्ड डेथ एज हिज वेल्थ एंड गोल्ड हैड ऑलरेडी डिसअपियर्ड इट वॉज जनरली एग्रीड दैट गैदर गोल्ड हैड नो रिसेम्बल विद द ग्रेट स्टोन फेस। अर्नेस्ट का भरोसा किस में था, ग्रेट स्टोन फेस में था, यानी उस पहाड़ पे था जो जिसका क्या था, चेहरा बना हुआ था। जब गैदर गोल्ड गरीब हो गया और उसका सारा पैसा, सारा गोल्ड क्या हो चुका था, ख़त्म हो चुका था, फिनिश हो चुका था, और वो क्या हो गया था, वो मर गया था, और सभी लोग इस बात से सहमत हो गए थे कि गैदर गोल्ड और जो ग्रेट स्टोन फेस में कोई भी समानता नहीं है, और यही अर्नेस्ट का विश्वास था कि गैदर गोल्ड और स्टोन फेस में क्या है, कोई भी समानता नहीं है। तो ये बात क्या हो गई, ये बात सच साबित हो गई, ये भरोसा सच साबित हो गया। तो ये हो गया 4th का सेकेंड पार्ट का आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5th, जिसमें पूछा गया है मेड पीपल बिलीव जनरल ब्लड एंड थंडर वॉज देयर मैन। वैली के जो लोग थे ना, उन लोगों को विश्वास क्यों लगा कि जो जनरल है, जनरल को और क्या बोला जाता था, ब्लड एंड थंडर भी बोला जाता था, वो जो जनरल वही आदमी है जिनका वैली के लोग क्या कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब जनरल वही आदमी है जिसका फेस किससे मिलता है, ग्रेट स्टोन के फेस से मिलता है। तो आंसर है जनरल ब्लड एंड थंडर हैड राइजेस टू हाई पोजिशन फ्रॉम अ शोल्जर वैन ही रिटर्न टू द वैली इट वॉज बींग सेड दैट एट लास्ट द लाइकनेस ऑफ अ ग्रेट स्टोन फेस हैड एक्चुअली अपेयर्ड सो द पीपल टुक इट एज अ ट्रू। जनरल है, जनरल को ब्लड एंड थंडर भी कहा जाता है। इसने क्या किया था, मतलब जनरल ने ना काफ़ी तरक्की की थी, वो क्या बन चुका था, वो जनरल बन गया था, और जब वो जनरल बन गया फिर वो बाद में कहाँ आया, वो वैली भी वापस आया, कौन, जनरल। और उसके बारे में ना लोगों ने ये अफवाह फैला दी कि आखिर वही व्यक्ति आ गया है जिसका फेस किससे मिलता जुलता है, जिसका फेस ग्रेट स्टोन फेस जैसा ही है। तो लोगों ने इसे क्या कर लिया, लोगों ने इसे सच मान लिया कि ग्रेट स्टोन जैसा फेस किसका है, जनरल का है। तो यही लोगों को क्या था, विश्वास था कि जनरल का फेस किससे मिलता जुलता है, ग्रेट स्टोन के फेस से मिलता जुलता है।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट में, जो कि है फिफ्थ का सेकंड पार्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है अर्नेस्ट कंपेयर द मैंस फेस विद अ स्टोन फेस, व्हाट डिड दे कंक्लूड। अर्नेस्ट ने जर्नल और ग्रेट स्टोन फेस के फेस को कंपेयर किया, मतलब जर्नल के और जो पहाड़ियों का जिसका फेस बना हुआ था उन दोनों के फेस को क्या क्या कंपेयर किया, और अर्नेस्ट ने क्या निष्कर्ष निकाला, मतलब लास्ट में क्या कंक्लूजन निकाला उन दोनों के फेस को कंपेयर करने के बाद। तो आंसर है अर्नेस्ट कुड नॉट फाइंड एनी लाइकनेस बिटवीन द जर्नल एंड द स्टोन फेस। तो अर्नेस्ट ने जर्नल और ग्रेट स्टोन फेस को क्या किया, कंपेयर किया, तो उसे कोई भी समानता नजर नहीं आई, यानी वो उसको ग्रेट स्टोन के फेस की तरह उसका फेस नहीं लगा। किसका फेस नहीं लगा, जर्नल का फेस नहीं लगा। तो ये थे क्वेश्चन आंसर, कौन से चैप्टर के, द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट वन के। अभी पार्ट टू भी आएगा इसी का चैप्टर, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस भी करिए, जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको इंग्लिश के और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो फिर थैंक यू।